आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। बदनावर में इन दिनों किसान भरपूर मात्रा में गेहूं को बेचने के लिए मंडी लेकर जा रहे हैं। एक जगह उनकी फसल की नीलामी होना तो दूसरी जगह फसल की तुलाई होने से किसान परेशान है। साथ ही किसानों को उचित सुविधा नहीं मिलने से वे काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बाजार में आम रास्ता जाम होने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, लेकिन मंडी प्रशासन और कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें, सब्जेश्वर महादेव मंडी बदनावर में गेहूं की नीलामी हो रही है और तोल के लिए अनाज मंडी बदनावर में किसानों को ट्रैक्टर लेकर जाना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर इधर से उधर जाने के कारण आम रास्ता पूरी तरीके से जाम हो जाता है और मार्ग पर आने जाने में परेशानी हो रही है। इस पर प्रशासन या मंडी प्रांगण के अधिकारियों का ध्यान नहीं है, जिसके कारण रहवासी जिनके बच्चे स्कूल कॉलेज से आते हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन किसानों को ट्रैक्टर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जिसके चलते विवाद उत्पन्न हो रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन खबर देखने के बाद जागेगा या फिर कुंभकर्ण की नींद सोता रहेगा और किसी बड़े विवाद का इंतजार करता रहेगा। यह तो आने वाला कल ही बताएगा। बदनावर से शिवशंकर की रिपोर्ट।